विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस के नागपुर स्थित घर के पास एनसीपी कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया है। फडणवीस पर आर्किटेक्ट एकनाथ निमगड़े हत्या मामले में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने के आरोप लगाते हुए पूर्व राकपा पार्षद वेद प्रकाश आर्य के नेतृत्व में आंदोलन किया गया। इस दौरान आंदोलकों ने फडणवीस का पुतला फूंकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने आंदोलकों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया। नागपुर शहर के बहुचर्चित निमगड़े हत्याकांड में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस अप्रत्यक्ष तौर पर जिम्मेदार बताते हुए फडणवीस के नागपुर स्थित आवास पर जोरदार आंदोलन करते हुए आंदोलकों ने जमकर नारेबाजी की है। साथ ही इस समय आंदोलनकारियों द्वारा फडणवीस का पुतला फूंकने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, बीसी न्यूज नागपुर। आज हमारा आंदोलन आज हमारा यहाँ पर आंदोलन करने का कारण यह है कि 18 तारीख को सतीश उके ने मुंबई में पत्र परिषद ली थी, जहाँ पर उन्होंने यह खुलासा किया था कि देवेंद्र फडणवीस और उनके पीए ने एकनाथ खड़से जो आर्किटेक्ट थे उनकी हत्या, एकनाथ निमगड़े जो आर्किटेक्ट थे उनकी उन्होंने हत्या करवाई है। और उन्होंने बताया कि वहाँ पर सोनेगांव के पास में यानी विमानतल के पास में उनकी 557 एकड़ जमीन थी, जो उसकी कीमत 300 एकड़ थी। वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस वहाँ पर एक आधुनिक व्यावसायिक माल बनाना चाहते थे, परंतु उन्होंने देने से इनकार किया। और उससे जब उनका पीए कुमार मसराम आर्किटेक्ट एकनाथ निमगड़े के पास गया था और उन्हें ये बोला था कि यह ज़मीन हमारे मुख्यमंत्री साहब लेना चाहते हैं और आप इसकी कीमत बताइए, हम देने को तैयार हैं, उन्होंने मना कर दिया। मना करने के बाद कुछ दिन के बाद उनकी हत्या हो गई। तो और इसमें साफ जाहिर होता है कि देवेंद्र फडणवीस इससे नाराज़ हो गए।